अनुबंध पर लगे एचआरटीसी परिचालक आजकल बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें जो वेतन मिल रहा है वे बेहद ही कम है, जिसके चलते उन्हें घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। परिचालकों ने कहा कि वे काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अलग अलग जिले से सोलन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो वेतन उन्हें सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसमें घर का खर्चा भी निकल नहीं पा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए एचआरटीसी परिचालकों ने कहा कि उन्हें 2018 में अनुबंध पर रखा गया था, तब से अभी तक उन्हें केवल 5,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ लगे चालकों का वेतन 11,000 रुपए दिया गया है, इसके लिए वे चाहते हैं कि उनका वेतन भी बढ़ाया जाए। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी से भी कम उन्हें वेतन मिल रहा है, जिसमें उन्हें घर चलाना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। इसके लिए वे चाहते हैं कि जिस तरह चालकों का वेतन बढ़ाया गया है उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, ताकि वे भी घर का खर्चा चला सके। तनख्वाह हमारे को जी, जब हम टीएमपीए जो हमारा 2018 में आया बैच है हमारा, तो हमारे को तनख्वाह मिल रही है 5,500 रुपए। तो आज की महंगाई के हिसाब से देखे जाए तो 5,500 रुपए बहुत कम है, जो कि अब नरेगा के दिहाड़ी बोल रहे हैं कि 218 रुपए हो गई। तो 218 रुपए तो अगर उसी हिसाब से लगाएं तब भी हमारी दिहाड़ी बहुत ही कम है, जिससे कि आजकल हमारे परिवार और कईयों तो हमारे साथ ऐसा है बंदे कि जिनकी शादी हो चुकी है, लगभग 90% बंदे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने परिवार को आप ही खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैसे चला सकते हो अपना परिवार, जो कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, पर 2019 में नवंबर में बात हुई थी उस टाइम भी, उसके बाद कोई हमारे सैलरी के बारे में बात नहीं बढ़ रही है, ना हमारी सैलरी मिल रही है, हमें 5,500 रुपये मात्र मिल रहे हैं। हमें घर से खर्चा तो भंगाना ही पड़ना है, क्योंकि हमें आज के डेट में ऐसा है कि 5,500 रुपये में काम नहीं चलता, क्योंकि खाने में अगर हम 100 रुपये डेली लगाए तब भी 3,000 तो हमारे खाने में चले जाते हैं। तो आजकल जो एक कंडक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट में 5,000 दिया जा रहा है, तो उससे मतलब एक घर से जो बाहर नौकरी कर रहा है परिचालक, उसको उसके जो खर्च है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सर जब हम लगे थे तब तो 5,500 था, पर अभी इन्होंने बढ़ा दिया है, 11,000 कुछ कर दिया, पर जो हमारा बैच था उनको किसी को भी बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिली है। सर हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो बढ़ी हुई सैलरी आप सभी को दे रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर, तो जो एक 1100 वाला बैच था कंडक्टरों का टीएमपीओ का, उनको भी बढ़ी हुई सैलरी दी जाए। हाँ भाई, सैलरी हमारी टीएमपीओ की अभी 5,500 है, तो अब उसे बहुत मुश्किल है। पहले भी अभी टाइम टू टाइम में बोले बढ़ा दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी सैलरी पर नहीं बढ़ी, 5,500 ही है, जहाँ की चालकों की अभी जो बढ़ी है 1100 के समथिंग हुई है, पर हम 11,000 के समथिंग हुई है, हमारी भी वही है 5,500, जिसके बहुत मुश्किल है, तो गुजारा करना पड़ेगा। 5,500 दे रही है सरकार और कुछ है नहीं, 5,500 में क्या होगा आजकल, कुछ नहीं बन रहा है। तो बोला था हमको कि 11,000 रुपये हो जाएगी सैलरी, पर अब तक तो मिली नहीं हमको सैलरी 11,000। खाली ड्राइवर की तो होगी सैलरी पूरे 11,000, तो उनको मिल रही है ड्राइवरों को, तो उनको हमारी तो हुई नहीं। बोला तो था कि मिल जाएगी, पर अभी तो बिल्कुल नहीं। अब 5,000 में देख लो अब क्या बनेगा हमारा, कुछ नहीं, सैलरी बिल्कुल कम है, जेब से सारा पैसा लग रहा है हमारा। 5,000 मिल रहा तो वो तो खड़े नहीं हो जा रहा सारा, तो घर में कैसे हम कैसे।